सो गाइस, इस वीडियो में आपको YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। बिकॉज हमारे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर विजिट करता है तो सबसे पहले उसे हमारे चैनल का बैनर दिखाई देता है, और हमारे चैनल का बैनर अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल नहीं होता है तो कोई भी व्यूअर ये सोच के हमारे चैनल को छोड़कर चला जाएगा कि इसका चैनल का बैनर है वो भी अच्छा नहीं है, तो इसका कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए गाइस, आज मैं आपको प्रोफेशनल बैनर क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीके यूट्यूब चैनल। सो चलिए इस आज की जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एक प्रोफेशनल चैनल बैनर क्रिएट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल को रोटेट कर लिया है ताकि आपको सभी फीचर्स अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं जिस भी चीज़ों का यूज़ करूँगा आपको उन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उन सभी चीज़ों को एक ड्राइव में सेव कर रखा है, आपको उस ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले बैनर को क्रिएट करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेशियो अपने आप ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इमेज को लाना है। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको फुल साइज कर देता हूँ। इसके बाद इसे आपको लो कर देना है, तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसे लो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक इमेज को और इम्पोर्ट करना है, तो आप जैसे जैसे मैं करता हूँ आप सभी फीचर्स को देख लीजिए। अब यहाँ पर ये दूसरी इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे बैक ले जाने के लिए यहाँ पर आपको डॉट मिल रहे हैं, तो आपको इस डॉट के साइड में थोड़ा सा इस पर क्लिक करना है और आप देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे ले आना है, तो अब ये अपना आप बैक चला गया है और इसको भी लो कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये सेव आ चुका है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसकी थोड़े से इमेज के साइज़ है वो यहाँ पर सेव की साइज़ बढ़ा देना है और इसको यहाँ पर लाकर इसको भी सेम तरीके से पीछे ले जाना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दूसरी इमेज को इम्पोर्ट करना है। इस इमेज को इम्पोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ले आना है और इसका सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है, तो इस पर क्लिक करके कॉपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसके थोड़ी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है, ये बढ़ा दिया। अब यहाँ पर इसके ओपेसिटी को 50% कर देना है। अब इसको भी यहाँ पर इस इमेज के बैक में भेजना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर ला देते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो चैनल का जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसके साइज़ वगैरह को आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, बट पहले यहाँ पर आपको फॉन्ट है वो चेंज करना है। इसका फॉन्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर आपके चैनल का सेकेंड नेम है वो यहाँ पर ला देना है, तो यहाँ पर जो भी बाकी बचा नेम है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेना है, तो यहाँ पर जो ये फॉन्ट है वो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है, जो भी इंस्टाग्राम की इमेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का लोगो है उसका इमेज ला दिया है। यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको दूसरी इमेज को इंपोर्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ आपको वही करना है। अब यहाँ पर आपको इस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस इमेज को कलर है वो इसका कलर चेंज करना है। कलर को इनेबल करके ग्रेडियंट के अंदर जाना है और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको भी इसके पीछे भेजना है। आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने इस लेयर को पीछे भेज दिया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये लेयर यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सेम तरह का इमेज है वो इस राइट साइड में भी लगाना है आपको। आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने सेम इमेज इस तरफ भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पर एक इमेज और इम्पोर्ट करना है, इसका कलर है वो ब्लैक कर देना है। इसको भी यहाँ पर इसके पीछे ले जाना है। अब यहाँ पर ये बैनर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना है, तो यहाँ पर सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर अल्ट्रा कर देना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर क्रिएट करने के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।